इन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री लाइन्स कॉन्ट एट ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि थ्री लाइन है कौन सी थ्री लाइन्स है एक है ए बी सेकेंड सी डी और थर्ड लाइन है ई e, एफ वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है देखो पॉइंट ओ पे अगर थ्री या उससे ज्यादा लाइन्स थ्री और मोर लाइन्स अगर एक पॉइंट से पास होती हैं, तो उन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं तो वो लाइंस क्या होती है कॉन्करेंट होती है अगर वो तीन या उससे ज्यादा लाइन एक पॉइंट से पास हो जाए ओके okay. और इसके अलावा हमें कुछ एंगल्स दी हैं, लाइक एंगल ई ओ सी और एंगल ए ओ डी दी है और एंगल बी ओ एफ दी है और हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है तो इसको करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एक करेंगे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो ध्यान से समझना ये क्या होते हैं पहले मैं आपको बता रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं लाइक like, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें लाइक दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस तो एक हो गया ए गई बी और सेकेंड लाइन हो गई सी डी ए बी लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ कौन से पॉइंट पे ओ पे तो इस पे फोर एंगल फॉर्म होंगे जैसे एक एंगल एओडी दूसरा एंगल बी ओडी थर्ड एंगल सीओ बी और फोर्थ एंगल होगा एंगल ए ओ सी तो इसमें जो एंगल ए ये वाला एंगल जो मैं शेड कर रहा हूँ और ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट होगा ओके okay. और साथ में जो अनशेडेड एंगल है यानी कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं तो मान लो अगर ये एंगल वन है और ये टू है तो एंगल वन इक्वल्स टू तो टू होगा और अगर मान लो ये थ्री है ये फोर है तो एंगल थ्री और फोर भी इक्वल होंगे और इन्हें हम क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ओके अब वर्टिक इस फिगर में अगर हम देखें तो इसमें लाइन EF और ए बी एक दूसरे को कट कर रही है देखो ये सर कट कर रही है तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं एंगल ए ओ e, और बी ओ एफ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है दूसरा पेयर भी है लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमें यही वाला चाहिए तो एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ देखो ई ओ ए और एंगल बी ओ एफ ये वर्टिकली अपोजिट है अगर ए बी और ई e एफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे इसे हम ओके अब बीओएफ एफ फाइव वाई है तो एंगल ई ओ ए फाइव वाई होगा ओके तो ये फाइव वाई हो गया अब ध्यान से देखो बेटा सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मार्क करो उसकी सेम साइड पे जो भी एंगल बनेंगे चाहे वो अबोव द सी हो चाहे वो बिलो द सी हो उनका सम 180 होगा जैसे अबोव द सी तीन एंगल बन रहे हैं एंगल ई ओ सी और एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ डी अगर दो एंगल होते तो हम इनको लीनियर पेयर से भी कर सकते थे क्योंकि तीन एंगल है तो उसमें लीनियर पेयर पेयर का मतलब था तो टू एंगल्स तो इसको हम सम ऑफ एंगल्स इसका रीजन जो देंगे ये देंगे सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन तो इसमें हम लिख देंगे एंगल कौन से तीन एंगल लेंगे एक तो लेंगे एंगल ईओ e सी देखो बेटा ये ईओ सी e प्लस एंगल ईओ e ए दिस वन जो ये हमने भी फाइंड किया वर्टिकल अपोजिट से प्लस एंगल ए ओ डी और इन तीनों एंगल का सम क्या रहेगा 180 डिग्री और रीजन होगा सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट होगा बेटा अब एंगल ई कितना है टू वाई और ई फाइव वाई देखो ई सी टू वाई ए फाइव वाई और एंगल एडी टू वाई इज इक्वल टू वन एटी अभी वाई तीनों ही लाइक टर्म्स है तो इनको हम ऐड कर लेंगे टू प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस 5, टू नाइन तो नाइन वाई इज इक्वल टू वन एटी अब सो फाइनली वाई की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो क्या रहेगी जैसे इधर नाइन वाई है नाइन मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू वन एटी है तो इधर ये नाइन मल्टीप्लाई है तो इधर ये कहाँ चला जाएगा डिवाइजर में ये हो जाएगा वन एट्टी डिवाइडेड बाई नाइन इसको कट करेंगे वन एटी डिवाइडेड बाई नाइन इज ट्वेंटी सो फाइनली वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी y is equal to 20 degree.